कराया हो डिफरेंट पोजीशंस में, जो आप अपने घर में कर सकते हो वार्म अप में, आप अपना एक्सरसाइज भी, ये जो मेरा भाई जिम नहीं जाता है, मशीन नहीं है, तो वो कर सकता है घर के अंदर। रॉड नहीं है, डंबल नहीं है, आप ब्रिक्स लो, उससे करो ऐड ऑन, मूवमेंट रहेगी, उस पर बात करेंगे आज, क्योंकि ग्रिपिंग इस तरीके से रहनी है कि आपका स्ट्रेच एंड स्क्वीज। या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और भाई मौसम देखो, देखो मौसम देखो तुम, मतलब सुबह के बज गए 9:30, सुबह उठने का मन भी नहीं करता, तो यार क्या बताऊं, बड़ा आलस आता है, क्योंकि रात का सोता ही 2 बजे हूँ, सब कुछ एडिटिंग वगैरह करके, ऑफिस का काम करके एडिटिंग करता हूँ, बहुत सारा काम होता है यार, बहुत 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 काम होता है। तो चलो, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जा रहा हूँ अभी जिम, और जिम में क्या क्या मस्तियाँ होंगी आज वो दिखाते हैं, फिर जिम के बाद कहीं और जाना है मुझे, आयुष के पास जाना है, तो वो चीज़ें भी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर हो पाया तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग फिटनेस पे ध्यान दें। फॉग ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिन निकला हुआ है, दिन तो निकला ही नहीं है, कल दो तीन दिन से तो दिन ही नहीं निकला है, मतलब ये हालत है। बट ठीक है, या सर्दी है तो सर्दी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में इतना सड़ते हैं तो सर्दी में भी तो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। आ गए हैं जिम, और कौन से फ्लोर पे अपना जिम? अपना जिम है 4th फ्लोर पे, वैसे तो 3rd पे कार्डियो है, ज़ुम्बा वगैरह का भी है, अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने मेन एक्सरसाइज पे जाने से पहले अपना वार्म अप कर ले, तो वार्म अप में कुछ यूनिक और डिफरेंट एक्सरसाइजेस लेकर आए हो डिफरेंट पोजीशंस में, जो आप अपने घर में कर सकते हो वार्म अप में। आप अपना ट्राइसेप पहले वार्म अप में कर लो, 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा वार्म अप में कैसे कर सकते हो अपना ट्राइसेप, फिर उसके बाद में जाना अपने मेन एक्सरसाइज पे। आपके घर में बेंच होगा, बेंच नहीं है तो स्टूल होगा, बेड होगा, बेड के किनारे पे इस तरीके से आप ऐसे इस तरीके से पोजिशन में आ जाए, ताकि आप अपने ट्राइसेप को वार्म कर सको, यानी कि पंप कर सकते हो। चलो, किस तरीके से करेंगे पोजीशन, आप ये वार्म अप में बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेस आप अपने मेन एक्सरसाइज में भी ले सकते हैं। 3 सेट लेने हैं इसके, पर सेट आपको 12 से 15 रेपिटेशन लेने ही लेने हैं। किस तरीके से पोजीशन रहेगी आपको ट्राइसेप को, आपके ट्राइसेप को वार्म अप देने के लिए। चलो, इस तरीके से आ जाए आप, इस तरीके से चेस्ट अप और बम, अपने हिप्स को थोड़ा पीछे कर ले, ताकि आपको रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिले। इस तरीके से आना है, इस तरीके से आने का आपका जो ट्राइसेप होगा वार्म अप देने के लिए, या आप अपना एक्सरसाइज भी, ये एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज में भी ऐड कर सकते हैं। चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज, अपनी जो दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम बेंच पे। आप अपने घर में भी कर सकते हो, इजी एक्सेसिबल है ये वाली एक्सरसाइज, आप करोगे तो लाजवाब। मैं ये अगर आपको मैं वार्म अप में बता रहा हूँ, तो आप ये मेन एक्सरसाइज भी एड ऑन कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से आपको ये वार्म अप में, जो मेरा भाई जिम नहीं जाता है, मशीन नहीं है, तो वो कर सकता है घर के अंदर। बैक डिप्स मारेंगे, किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा। क्लोज रखना है ताकि आपका ये वाला हेड जो है, इनर हेड, ये आपका पंप हो या ग्रो हो। चलो, इस तरीके से चेस्ट अप, कमर एकदम स्ट्रेट, पैर आगे, गर्दन स्ट्रेट, और धीरे धीरे लेकर जा, धीरे धीरे एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। इस तरीके से करना गाइस, मजा आ जाएगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, एक नंबर एक्सरसाइज है। और रेपिटेशन जो इसमें करोगे, आप करोगे रेपिटेशन इसमें 12 से 15, और 3 सेट लोगे, 3 सेट में आपका ट्राइसेप फटने को रेडी हो जाएगा। चलते हैं अब अपनी मेन एक्सरसाइज पे। ये देखो गाइस, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी 5 के डंबल से करेंगे। किस तरीके से करेंगे, रॉड पे नहीं करेंगे, रॉड नहीं है, डंबल नहीं है, तो आप अपने घर में ब्रिक्स लेके कर सकते हो, ब्रिक्स की हेल्प लेकर अपने ट्राइसेप ग्रो कर सकते हो। कैसे करेंगे, करके दिखाते हैं आप लोगों को। बेंच नहीं है तो आप सरफेस पे, यानी कि फर्श पे भी लेट सकते हो, अगर बेंच नहीं है तो। रॉड नहीं है, डंबल नहीं है, आप ब्रिक्स लो, उससे करो ऐड ऑन। चलो, इस तरीके से करना है, हाथों को थोड़ा सा क्लोज करना है, पीछे ले आओ, और धीरे धीरे इस तरीके से यहां तक लाना है, और यहाँ पे स्क्वीज, डाउन एंड स्क्वीज। अब एक चीज नोटिस करना, मेरे हाथ बिल्कुल भी रोल नहीं हो रहे, क्यों?
क्योंकि लाइट वेट है, लाइट वेट है। और आपको एक चीज और जैसे कि बताता हूँ, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट चूज करें, अदरवाइज आप ना परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपनी एक्सरसाइज। चलो फिर से 1 2 3 एंड स्क्वीज, 1 2 3 एंड स्क्वीज, इस तरीके से करना बिल्कुल स्लोली स्लोली। और मूवमेंट आपका इतना अच्छा रहना चाहिए कि आपके ट्राइसेप पे ही आए। चलो इसके भी 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे आपको 10 से 15 रेपिटेशन लेने, और अगर हैवी वेट मारोगे तो 2-3 सेट जो अपने ड्रॉप कर देना। चलो चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज। गाइज अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम मशीन पे, रोप से करेंगे। रोप से कैसे करेंगे वो तरीके की मैं बताऊंगा, डिफरेंट वेरिएशन बताऊंगा, किस तरीके से आपका हाथ जाएगा, किस तरीके से आपके मूवमेंट रहेगी उस पर बात करेंगे आज। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस पे जो आपको वेरिएशन लेना है वो बहुत ही संभल के करना है, बहुत ही ग्रेविटी के साथ करना है, अगर फैक्ट है वो अच्छे से नहीं आएंगे। तो चलो करके दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। वेट मैंने अपना 30 का लगाया है और रेपिटेशन मैं 12 से 15 लूंगा। उसके साथ साथ मैं अपने टेक्निक और परफॉर्मेंस पे काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अब मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। 3-4 दिन से मैं अच्छे से एक्सरसाइज करने लग गया और रिदम में आ गया, क्योंकि घूमने वूमने गया हुआ था तो पीस ऑफ माइंड में मैं चल रहा था, अभी थोड़ा सा फिर से अग्रेशन आ रहा है कि हाँ करना है। तो चलो करके दिखाते हैं, आ जाओ। मूवमेंट आपकी स्ट्रेट रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है आपको, हाथों की ग्रिपिंग इस तरीके से रहनी है कि आपको अच्छे से पता लगे मूवमेंट का। चलो ये इस तरीके से रहना है, इस तरीके से बिल्कुल चेस्ट अप, कमर अप, शोल्डर्स अप, और थोड़ा सा आपको क्या टिल्ट होना है इस तरीके से, और इस तरीके से लेकर आना, पूरा स्क्वीज लेकर जाना, पूरा स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच 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 एंड स्क्वीज, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड स्क्वीज। अब एक चीज इस पर जरूर ध्यान रखें आप अपना, कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो कोई भी एक्सरसाइज तो उस पर आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो बिल्कुल भी रोल नहीं होनी चाहिए, पैरों की ग्रिपिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हिल नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मूवमेंट है आपके ट्राइसेप पे चल रहा है। फिर से 2 रेपिटेशन मार के दिखाता हूँ किस तरीके से होगा, आप फिर ये एड ऑन करना। यस, आप थोड़ा सा झुक जाए आगे की तरफ, हाथों को स्ट्रेट रखे अपना, और यहाँ पे स्क्वीज मारना है, यानी कि हिट करना अपने ट्राइसेप को इस तरीके से, और थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है डाउन। तो ये वाली एक्सरसाइज सेम ऐसे ही करना है गाइस, अच्छे इफेक्ट आएंगे, आई एम श्योर कि आप लोग ये एड ऑन करोगे। चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे। तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम रिवर्स किक बैक। किस तरीके से करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन है, थोड़ा डिफरेंट टेक्निक है, और उसके साथ साथ जो आपके रेंज ऑफ मोशन रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका बैलेंस रहेगा, किस तरीके से आपकी टेक्निक रहेगी, तो उस पर बात करेंगे। और वेट आपका जितना रहना चाहिए उतना ही लेना, क्यों, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ से ऊपर जाओगे, अपना वेट करोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस वेरिएशन के साथ, तो फिर आपको अच्छे से रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए। तो अगर आपको अपना ट्राइसेप ग्रोथ करना है, ट्राइसेप अपना बिल्ड करना है, लीनिंग करना है, गेनिंग करना है, सेम एक्सरसाइजेस करना, बट अगर लीनिंग में जाना है तो कम वेट से रेपिटेशन ज़्यादा, और अगर गेन में जाना है तो हैवी वेट और रेपिटेशन कम। चलो करके दिखाएंगे किस तरीके से पोजिशन रहेगी वो बताऊँगा आपको। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो बेंच मत लेना, नीचे कर लेना, और अगर आपके पास अगर डंबल नहीं है तो बिना डंबल के आपके पास ब्रिक्स होंगे उस तरीके से करना। पोजीशन सेम रहेगी, रेंज ऑफ मोशन सेम रहेगा, किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ मैं अभी। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, यहाँ पे जमीन पे आप अपना सपोर्ट ले सकते हो अपने नीज को रख के, किस तरीके से करेंगे, गर्दन अप, चेस्ट अप, और यहाँ पर अपना हाथ एक ले सकते हो सपोर्ट के लिए। चलो और हम करेंगे रिवर्स, रिवर्स बोला था हमेशा इस तरीके से करते हैं, इस बार हम रिवर्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो बॉडी ज्यादा रोल नहीं होनी चाहिए, बॉडी अगर रोल होगी तो आपको फिर इफेक्ट पता नहीं लगेगा, इस तरीके से करना है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा अपने ट्राइसेप को हिट करना है ताकि मसल को टेंशन मिले और पता लगे कि यस आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसको ट्रेन करना चाह रहे हो, इस तरीके से करना है। रेपिटेशन आपके मिनिमम 12 रहने चाहिए, हैवी मार रहे हो हैवी में भी 12 रहने चाहिए, और मैक्सिमम कितने आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। चलो इसके 3 सेट लेने, पर सेट आपको 12 से 15 रेपिटेशन लेने, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये जो सेशन है मेरा, ये पसंद आए। जैसे आप मेरे चैनल पे सारी वीडियोस देखते हो, प्लीज़ ये वाली भी देखना,
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, एंड एड ऑन करना, ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करो, नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना जरूर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।